नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवानी नेगी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, तो बने रहना ब्लॉग में। आप पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया है और अब जाती हूँ नीचे, अब नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और जैसे आपने मेरे गाँव वाले ब्लॉगों को प्यार दिया, तो प्लीज़ यहाँ के ब्लॉग्स को भी प्यार देना। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। और दोस्तों, ये देखिए गर्मी कितनी हो रही है गांव में। हाँ, क्या ठंड में थे और यहाँ हाय रे गर्मी, परेशान हो गए परेशान। तो चलो फिर। तो दोस्तों, टाइम 9 बज चुके हैं और मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया है और जरा कपड़े धोते हैं। तो दोस्तों, नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और कपड़े भी धो लिए। और यहाँ पे मैंने एक मालिश करने वाले बुला रखे हैं बहुत दूर से, स्पेशली प्रतीक की मालिश करने के लिए। तो दिखाती हूँ आपको कि कौन है वो। तो ये रहे दोस्तों, मिस्टर चंदूलाल जी। साले चंदूलाल बोले, साले नौकर बनाने के बाद। तो दोस्तों, ये है मिस्टर चंदूलाल जी जो स्पेशली प्रतीक की मालिश करने के लिए आ रखे हैं। तो अगर आपको भी करवानी है तो जरूर बुलाए, रगड़ रगड़ के मालिश कर रहे हैं। ये देखिए, आज पता नहीं कहाँ का दिन आया, खुद ही मैं तो रोज हमें आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और झूठ झूठ के रोज मालिश करता हूँ मैं। बस बेवकूफ क्या, जब वो छोटा था ना, मतलब 1-2 हफ्ते का, हाँ हफ्ता, हाँ तब की होगी उन्होंने, बाकी तो मैंने ही की उसकी बचपन से ही। पावड़ी पूछ क्या रहा हूँ, क्या कहता तू? तो मम्मी लगा जोर, लगा जोर, मम्मी को पावड़ी पूछ क्या रहा है? बावड़ी पूछ तू मेला। उन बावड़ी पूजा मतलब उनके। अच्छा, ये मालिश किस खुशी में की जा रही है जरा बताया जाएगा है भाई? मेरा बेटा ऐसे फौजी भी, कहो फौजी बनाओ, फौजी फौजी बनाओ, फौजी। फिर बंदूक से तुम्हें ही उड़ाएगा। ये वाली क्या क्या मतलब, कदगछी जो ये वाली बना था तुम, बेशरम इंसान। ए ए भाई। तो दोस्तों, ये देखिए प्रतीक का हाथ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, अब तो ठीक हो गया प्रतीक का हाथ, लेकिन ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक जल गया था। तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा जानिए? गुस्सा गुस्सा साले, देखना वेखना है नहीं तुमसे? और कुछ? और कुछ नहीं, बस गुस्सा आया। मुझे नहीं आया गुस्सा, गुस्सा बड़े होकर बता देती है। गुस्सा तो बड़े होकर बता देती है, बड़े होके गोली गोली मार रहे थे। अच्छा, मरण तेल में तो गोली है, है? ओ सोचड़ू। तो दोस्तों, प्रतीक का हाथ कुछ ऐसे ऐसे चला, मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ कि हम सब बैठ के चाय पी रहे थे और ये ना इधर उधर नाच रहा था, इसे नाचने का बहुत शौक है। तो बस हम से गिर गया चाय में और इधर सारा हाथ जला दिया। तो दोस्तों, इसका हाथ ना पता कैसे ठीक हुआ, जो केले के पत्ते होते हैं ना सूखे हुए, उनको जला के और उनकी राख बना के और उसको नारियल के तेल के साथ मिला के उसका लेप लगाना है। मतलब अगर सही से, मतलब रोज लगाओ, बार बार लगाते रहो, तो 1-2 हफ्ते में हाथ एकदम सही हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा अभी दाग रह गया है, तो उसके लिए नारियल का तेल मैं लगा ही रही हूँ, बस ठीक हो ही जाएगा। बच्चों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, हैं? तभी तो मैंने इनको बस अभी, मतलब अभी क्या, जब मैं यहाँ आई तभी पता चला। और अगर पहले बता देती जब मैं गाँव में थी तब होते। तेरा कुछ काम दाम है नहीं, जब देखो ब्लॉग बनाती रहती है, मेरे बेटे को नहीं देखती, ये है ये बोलो सर तो बोल है। ये देखिए दोस्तों, पसीना इतना चमक रहा है, तो बस इससे पता चलता है कि मेहनत वाला काम हो रहा है, मेहनत। ये आओ बेटा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट। लगता है कल है परवाती तुम्हारा बेटा फौज में जाओ। देखिए ये देखिए, ये देखिए, पहले मैं तो बताओ ना कि खुशी मास तुम मालिश का ना, खाली बैठा हो। जब तुम खाली बैठे रहते हो तो तुम दिमाग खराब करता हो। आज मालिश खाना अच्छी करनी होगी, मेरी मर्जी, मेरा बेटा है।
अच्छा मेरे बेटे ने रात को बोला चलो पापा सुबह हो जाइए तैयार, नहाएंगे दोनों एक साथ। अच्छा आज मतलब नहलाना भी तुमने है ना? हाँ तो क्या हो गया मेरा बेटा है। अच्छा है ना बेटी। तो दोस्तों अब कल से क्या जो ये मेरे पतिदेव है ना वो 2 महीने से बोल रहे हैं मैं कल से व्लॉग बनाऊंगा। इनका कल आता ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा वो कल। कैमरा निकालो ना तुम, गोप्रो कैमरा, उस कैमरे से फोड़ूंगी आपको। गोप्रो नहीं ला दे अभी तो, ये कुछ दिला दिया तो महंगा फोन दिया था लोग बल दी बल कर वीडियो बड़े तो अपने पैसे तो बैंक में जमा कर और हमारे पैसे तो वो कराए कपड़े वो दिलावा सर अपना पैसा बैंक में तो जमा कर नहीं तुम ताजी नहीं क्या हाँ 1 2 3 भारत माता की भारत माता की एक ही बार बोलता मेरा बेटा बार बार नहीं बोलता जय श्री राम जय दो 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 साले बोल दे जरा मा 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 पा 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 तो दोस्तों टाइम शाम के 6 बज रहे और हम आ चुके हैं पार्क। तो ये देखिए इसकी खुशी देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं ना तो इसकी अलग ही खुशी रहती है बाहर आने की। और ये देखिए दोनों बंदरों वाली हरकत रहती है इन दोनों की, सच में एक गुणी एक बांदर। तो आप बताना गुणी कौन सा लग रहा है, बंदर कौन सा लग रहा है? क्या ओ हेलो देखना है हेलो बस मैं सीधा रास्ता बटाणी ना होने बनियाणी जगह ये पकड़ा था ये उल्टे काम देखो उल्टे काम मैं तो दूर ही सोना चाहूँ मारो तेरे खबड़े खुद पर भी। ओहो तो दोस्तों यहाँ तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है और ये देखिए पति देखो ओ हेलो ओ भविष्य में आने वाले ब्लॉगर ओ ओ ब्लॉगर साहब जरा कुछ बोलिए भैया गुगुति लमडाल गुगुते ये देखिए इसके काम फेंक दे और क्या ठीक है लग गया ना ये मेरे सर पे फेंकना चाहते हैं मैं पकड़ देख मैं पकड़ ला मैं पकड़ दे डिस्प्ले उड़ गया तुम्हारा फोन हुआ क्या तेरा पापा फोन मम्मी खोपड़ी फूट जाता है वही है फिर है क्या वाह 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 खोपड़ी नहीं फोन टूटना चाहिए यहाँ देखिए दोस्तों इसको वहाँ कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं ना तो ये यहाँ से बैठ बैठ के तालियां बजाते बजाते वहाँ खिसक गया ये देखिए कोई मतलब नहीं कुछ नहीं अपने में जा रहा है बस पकड़ा
तो दोस्तों टाइम 7 बजने वाले और पता ही नहीं चला 1 घंटा कब हो गया। अब चलते हैं घर क्योंकि यहाँ ना मच्छर भी हो रहे हैं और गर्मी भी हो रही है जी। पार्क आने का भी कोई फायदा नहीं है। ओ ब्लॉगर साहब, कुछ बोलना चाहो के अपने दिल की बात? दिल की बात ओ कल का भी नहीं आना। अच्छा क्या मुंडर का यू? हाँ बस अच्छा तुम्हारा कहीं भी खड़ा मुंडा रो यार। दोस्तों इनकी ना बातों का जवाब नहीं होता मेरे पास सच में। इनके साथ बहस करना मतलब ढूंगू पे मुंड फोड़ना बराबर है। चलो, तो चलो मतलब ये हुए ढूंगू और ढूंगा। तो ये देखिए बैठ चुके हमारे सेठ जी अपनी जगह पे।